हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक मुश्किल स्थिति में है जहाँ पे मजबूरी में हम लोगों को घर में रहना पड़ रहा है। आज पूरा कंट्री में मेजॉरिटी स्टेट में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के चलते, और इसको लेके क्या करना है, कोरोना वायरस के लिए हाथ कैसे धोना है, इसको लेके कई वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, मगर इस टाइम पे घर में रह के क्या करना है, मैं उसी को लेके दो चार बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ मैं बोलूँगा कि अपना घर का टीवी में सुबह शाम 24 घंटा न्यूज़ देखना बंद कीजिए। आज बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ सुबह से लेके शाम तक सब न्यूज़ देख रहे हैं और अपना टेंशन बना रहे हैं। देखिए, जो आपका हाथ में है वो आप कर सकते हैं, जो आपका हाथ में नहीं है उसको लेके सिर्फ टेंशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा न्यूज़ देखना जरूरी है, अपडेट रहना जरूरी है, मगर जितना हो सके न्यूज़ को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कि इस टाइम पे आपका आसपास में आपका कोई दोस्त नहीं है क्योंकि सब अपना अपना घर में चले गए, मगर एक दोस्त जो आपका साथ हमेशा देता है जब आप अकेले रहते हैं वो है आपका किताब। कोई भी बुक्स आप ले लीजिए, उसको पढ़िए, क्योंकि बुक्स से आपका अपना नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका थॉट प्रोसेस से लेके हर चीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा। इस टाइम पे आप कुछ यूट्यूब से बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं, किसी को खाना बनाना कुछ नया चीज़ सीखना है वो भी सीख सकते हैं। आप चाहे तो है अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। इस टाइम पे आप अपना हेल्थ को भी ध्यान दीजिए। आप इस टाइम पे योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, अपना हेल्थ को और बेटर कर सकते हैं। इस टाइम पे अपना फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये टाइम है, ये अभी जो एक हफ्ता का लॉकडाउन चल रहा है, आने वाला दो तीन हफ्ता कितना दिन का लॉकडाउन चलेगा मुझे नहीं पता, मगर इस टाइम पे हैं आप अपना क्वालिटी को डेवलप कीजिए और अपने आप को और बेहतर इंसान का हिसाब से तैयार कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक, थैंक यू।